डिफरेंट हॉल्स के वार्ड हैं जिन्हें गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है उन सारे लड़कों को और सीवीआर की रेजिडेंट लड़कियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरी किरण माठोडकर हूँ, इंटीग्रेटेड एमएससी फिफ्थ ईयर मैथमेटिक्स की स्टूडेंट। और इस पोएम के आधार में आपको एक छोटा सा किस्सा बताने जा रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था जब मैं फ्रेशर्स थी। बात है ये तब की जब मैं फ्रेशर्स हुआ करती थी मैं बहुत फ्रैंक पर सीनियर से मैं डरती थी। एक दिन एक दीदी ने क्लास के बाद मुझे बुलाया, रैंक हॉल में ले जाकर समोसा चाट खिलाया। अजीब लगता है यहाँ गर्ल्स बहुत कम है, ऐसा जब मैं बोली तो जाने अनजाने में दीदी ने भी उनके एक मन की खिड़की खोली। बोली वो, यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम बहुत लड़ चुकी हो, इंडिपेंडेंस की पहली सीढ़ी शिद्दत से चढ़ चुकी हो, पर परफेक्शन की इस राह में आगे भी बहुत छोटे छोटे जाल है, इनको समझ पाना ही सबसे बड़ा सवाल है। गर्ल कार्ड की वजह से तुम्हें हमेशा हेल्प मिलती रहेगी, इस हेल्प की वजह से तुम्हारी असाइनमेंट्स हमेशा खिलती रहेगी। अगर तुम अपने आलस के कारण ऐसी हेल्प को मना ना कर पाओ तो याद रखना तुम एक पढ़ने का मौका गंवा रही हो। लैब ग्रुप्स में रीडिंग लिखने का काम तुम्हें दिया जाएगा, पर एपरेटस छुए बिना तुम में स्किल कहाँ से आएगा। कुछ नया ट्राई करने की चाह को अगर तुम खुद से इग्नोर करती रहोगी तो याद रखना तुम परफेक्शन का एक मौका गंवा रही हो। कभी किसी दिन लैब में तुम्हारा प्रोग्राम आधा रह जाएगा, कोई ना कोई फरिश्ता तब खुद से पेन ड्राइव लेकर आएगा। खुद से एरर ढूंढने की जगह अगर तुम मुस्कुरा के थैंक यू कह दो तो याद रखना तुम एक पढ़ने का मौका गंवा रही हो। तुम्हारी ऑनेस्टी पे कभी कोई सवाल नहीं उठाएंगे, पर तुम्हें हेल्प करने वाले ही तुमसे आगे निकल जाएंगे। अगर तुम खुद के अंदर पीस बाय पीस लेजीनेस भर रही हो तो याद रखना तुम आगे बढ़ने का एक मौका गंवा रही हो। गलतियों से डर के ना पकड़ो तुम गलत चीजों का हाथ, क्योंकि गलतियां ही देती है वो नॉलेज जो रहेगा तुम्हारे साथ। ये सब करने से माय डियर पास तो तू हो जाएगी, कई दिलों में तेरी जगह खास तो हो जाएगी। पर जब भी कोई चैलेंजिंग मोड लाइफ में तेरी आएगा, कहेंगे तुम्हें यही लोग, तुमसे ना हो पाएगा। हेल्प करने वाला कोई ना कोई होगा हमेशा साथ में, पर तुम्हें क्या बनना है ये होता है तुम्हारे हाथ में। साए में बरगद के पलने वाला पौधा तुम्हें बनना है या कंपटीशन से बढ़ने वाले अशोक वृक्ष की तरह तनना है। दीदी की ये बातें आज भी मेरे साथ हैं, अच्छे सीनियर्स से मिली हुई प्यारी सी ये सौगात है। थैंक यू। वेल एंड आई